नमस्कार, मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। खबर विदिशा से है, जहां गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, पूर्व मंत्री और भाजपा नेता स्वर्गीय लक्ष्मीकांत शर्मा के निवास पहुंचे, जहां पहुंचकर गृह मंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित कर शोक कुल परिवारजनों से भेंट की और उन्हें ढांढस बंधाया। बता दें कि बीते दिनों कोरोना के चलते भाजपा नेता लक्ष्मीकांत शर्मा का निधन हो गया था। खबर इंदौर से है, जहां नियमों का पालन करवाने वाले अपर कलेक्टर खुद कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए नजर आए हैं। दरअसल इंदौर में कोरोना की साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से अधिक होने की वजह से वहां पर अभी भी ज्यादा रियायतें नहीं दी गई हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने यह तय किया है कि चरणबद्ध तरीके से इंदौर को अनलॉक किया जाएगा। ऐसे में अपर कलेक्टर अभय बेडलेकर, जिन पर जिले में नियमों के पालन करवाने की जिम्मेदारी है, वो खुद नियमों का उल्लंघन करते पाए गए हैं। दरअसल अपर कलेक्टर अभय बेडलेकर अपनी सरकारी गाड़ी को लेकर बाजार पहुंचे और एक बंद मोबाइल की दुकान को खुलवाकर वहां से सामान लेते देखे गए हैं। वहीं अपर कलेक्टर की यह करतूत कैमरे में कैद हो गई है। प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों के साथ ही रीवा श्याम साह मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया है, जिससे संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल की स्वास्थ्य व्यवस्था खराब हो गई है। कोविड के 170 से अधिक मरीज और ब्लैक फंगस वार्ड में 44 मरीजों के साथ ही अन्य विभागों में सैकड़ों मरीज भर्ती है। वहीं हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज के 190 जूनियर डॉक्टर सेवाएं दे रहे थे। दरअसल श्याम साह मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों के भरोसे संजय गांधी मेमोरियल, संजय गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चल रहे थे और इनका इलाज का जिम्मा जूनियर डॉक्टरों पर था। लेकिन एक साथ डॉक्टरों के इस्तीफे से हॉस्पिटल में डॉक्टरों की कमी हो गई है। कॉलेज के सभी 190 जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। डॉक्टरों ने विरोध जताते हुए कहा है कि मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन किया जा रहा है और कोविड में जान गंवाने वाले साथियों को भी श्रद्धांजलि दी जा रही है। वहीं 4 दिनों से जूनियर डॉक्टर 6 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर है। उनकी मांग है कि स्टाइपेंड में 24% की बढ़ोतरी की जाए। हमारे यहाँ पर जो जूनियर डॉक्टर 190 हैं और इन 190 लोगों ने एक मास रेजिग्नेशन कल शाम को दिया हैगा। वर्तमान में हमारे यहाँ पर जो सीनियर डॉक्टर है उनको ड्यूटी पर तैनात किया हैगा और एक एक स्टेशन पे एक एक वार्ड में हमने 3-3 डॉक्टरों की, अभी जो सीनियर डॉक्टर है उनकी व्यवस्था की गई है। आज से दोपहर 3 बजे के बाद से हमारे कुछ जीआर और कुछ एसआर भी। मध्य प्रदेश पर राजस्थान की सीमा पर लगे पिपलौदा तहसील में 18 से 44 वर्ष आयु के लोगों को ऑन स्पॉट बुकिंग के माध्यम से टीकाकरण करने की नई गाइडलाइन से भीड़भाड़ होने की आशंका को देखते हुए पूर्व पार्षद व समाजसेवी प्रफुल्ल जैन ने जिला स्वास्थ्य अधिकारी ऑफिसर को पत्र के माध्यम से अवगत कराया। जैन ने पत्र में बताया कि पिपलौदा तहसील में हजारों लोग 18 से 44 वर्ष के हैं। ऑन स्पॉट बुकिंग के लिए केंद्र पर एक साथ आने से खुली छूट से व्यवस्था बिगड़ेगी और इतने गांव व नगर से सैकड़ों युवा वहां पहुंचेंगे। सभी को वैक्सीनेशन लग पाना असंभव है, शेष को निराश होकर लौटना पड़ेगा। इसलिए विभाग को स्थानीय केंद्र से एक मोबाइल नंबर जारी कर सोशल मीडिया व विभाग के माध्यम से सभी गाँव तक पहुँचाने चाहिए, जिससे घर बैठे कॉल करके सभी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सके। वहीं विभाग द्वारा सुझाव को अमल में लाकर नई व्यवस्था प्रारंभ भी कर दी गई है और इसके तहत रजिस्ट्रेशन के लिए बुकिंग मोबाइल नंबर भी जारी कर दिया गया है। पिपलौदा तहसील क्षेत्र के 18 से प्लस आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए शासन प्रशासन ने ऑन साइट बुकिंग की व्यवस्था की थी, जिसमें पहले आओ पहले पाओ और टोकन व्यवस्था थी, जिसमें समस्त व्यक्तियों को केंद्र तक आना पड़ता और यहाँ पर भीड़भाड़ होने की आशंका हमको लगी। इसको लेकर हमने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया एक पत्र के माध्यम से, उसमें हमने एक रजिस्ट्रेशन के लिए मोबाइल। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में विजयनगर पुलिस को पूछताछ अब लगभग पूरी हो चुकी है। बता दें कि पिछले दिनों नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के मामले में गुजरात की एक फैक्ट्री संचालित करने वालों को विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार करके इंदौर लाया था, जिसके बाद आरोपियों द्वारा पुलिस को बताया गया कि नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन इंदौर के अलावा मध्य प्रदेश के कई जिलों में बेचे गए हैं।
वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपियों द्वारा बड़े पैमाने पर नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बेचने के फिराक में थे, जहां आरोपी नकली इंजेक्शन बनाने के लिए 80,000 बोतल खरीद चुके थे और आरोपियों द्वारा 5,000 नकली इंजेक्शन बेचे जा चुके थे, जिसमें 700 इंजेक्शन इंदौर में आए थे और 500 जबलपुर भेजे गए थे। इंदौर शहर के पश्चिम एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे ने मानवता की मिसाल पेश की, जहां एडिशनल एसपी चौबे ने कोरोना काल के समय में पति पत्नी के निधन होने के बाद उनके मासूम बच्चों का निजी स्कूल में पढ़ाई के लिए निशुल्क एडमिशन करवाया है। बता दें कि पश्चिम एडिशनल एसपी एक संस्था की मदद से बुजुर्ग लोगों को भोजन देने का काम कर रही है। वहीं जब एक बुजुर्ग महिला के पास ग्रुप के सदस्य भोजन देने पहुंचे थे, तो महिला के पास बैठे दो मासूम बच्चों पर उनकी निगाह गई और उनके बारे में जब जानकारी ली गई तो पता चला कि वो दादी के पास रहते हैं और उनके माता पिता की मौत हो चुकी है। वहीं जानकारी मिलते ही एडिशनल एसपी ने बच्चों से मुलाकात की और तत्काल ही अपनी पहल से एक निजी स्कूल के संचालक से बात कर दोनों बच्चों का स्कूल में निःशुल्क एडमिशन करवाया। हमारे वॉलंटियर जो है डेली एक घर में माला मिल के पास खाना देने के लिए जाते थे बुजुर्ग महिला को, 70 साल की महिला है वो। इसी दौरान उन्होंने एक दिन उनसे पूछा कि आपके घर में बच्चे दिखाई देते हैं और आप दिखाई देते हैं, इनके बच्चों के माँ बाप नहीं है क्या? तो उन्होंने बताया कि नहीं, 1-2 महीने पहले इनके माता पिता दोनों का देहांत हो चुका है और ये बच्चे अकेले हैं। एक उसमें बच्चा है छोटा और एक बच्ची है 4 साल करीब की, बच्चा मेरे काफ़ी 1.5-2 साल का होगा। तो काफ़ी एक चैलेंजिंग था उनके सामने। तो इसमें फिर हमारे वॉलंटियर ने ग्रुप में शेयर किया तो हम लोगों ने फिर हमारे ग्रुप के थ्रू उसमें उनके दूध वगैरह की व्यवस्था हमारे वॉलंटियर्स करते हैं। पर डे वॉलंटियर जाके दूध देता है, खाने का पैकेट देता है और फिर क्योंकि वो बच्चे छोटे छोटे हैं तो उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाए इसके लिए हम लोगों ने संपर्क किया। तो एक विद्यावन स्कूल वाले जो है उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन है। रीवा में एक तरफ जहां जूनियर डॉक्टर हड़ताल कर आर पार की लड़ाई कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मरीजों के लिए रक्तदान कर सेवा भाव का भी परिचय दे रहे हैं। दरअसल संजय गांधी अस्पताल में पहुंचकर जूनियर डॉक्टरों ने मानवता की मिसाल पेश की है और जरूरतमंद लोगों के लिए रक्तदान किया। बता दें कि श्याम साह मेडिकल कॉलेज रीवा के सभी 190 जूनियर डॉक्टरों ने सामूहिक इस्तीफे दे दिए हैं। इसके बाद से जूनियर डॉक्टर अस्पताल में मरीजों की सेवा नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस कमी को पूरा करने के लिए जूनियर डॉक्टर संजय गांधी अस्पताल के ब्लड बैंक में जाकर रक्तदान करके मरीजों के लिए रक्त जमा कर रहे हैं। जूनियर डॉक्टरों ने खुद ही ब्लड निकालकर ब्लड बैंक में जमा किया ताकि जरूरतमंद मरीजों के काम व ब्लड आ सके। क्योंकि रक्तदान कर हम ये बताना चाहते हैं कि आज हमारा रेजिग्नेशन हो चुका है, हम एक्टिंग डॉक्टर नहीं है। इसके पश्चात भी हम जनहित के लिए अपना रक्तदान कर यह सिद्ध करते हैं कि चाहे आप हमें बर्खास्त कर दें या हमारे खिलाफ कार्रवाई कर दें या हमें जेलों में ठूस दें, लेकिन आज भी हम जनहित के लिए समर्पित हैं, थे और हमेशा रहेंगे। इसीलिए आज हमने रक्तदान शिविर लगाया है। इसमें अभी तक 60 यूनिट ब्लड हम डोनेट कर चुके हैं, जिससे हमारे होने ना होने से किसी भी मरीज को आपातकालीन अवस्था में। रतलाम के ताल इलाके में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीनेशन किया गया, जहां भारी संख्या में लोग पहुंच गए और वैक्सीनेशन सेंटर में खासी भीड़ देखने को मिली। वहीं टीका लगवाने आए लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए देखे गए। अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी भीड़ को समझाने का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। वहीं इस घटना का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सिंगरौली जिले में जमीनी विवाद के चलते हत्या का मामला सामने आया। दरअसल कोतवाली थाना क्षेत्र में आने वाले परसोना गांव में बीती रात दो सगे भाइयों में विवाद हो गया। असल में जमीन के एक छोटे से टुकड़े से रास्ता बनाने के लिए दोनों भाइयों में विवाद हुआ। इसी दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई उमाशंकर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। इस हमले में उमाशंकर की मौके पर मौत हो गई। सूचना के बाद पहुंची कोतवाली पुलिस ने मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर छोटे भाई और अन्य दो लोगों को हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। परसोना में उमाशंकर और जयशंकर ये दोनों सगे भाई हैं, एक साथ रहते हैं। जयशंकर अपने पिता के साथ रहता है, उमाशंकर बड़ा है और जयशंकर अपने अन्य भाई और पिता एक साथ रहते हैं। इनका आपसी विवाद है मकान के बंटवारे को लेकर के। कल रात में सभी शराब पिए हुए थे और जब उमाशंकर
लड़का बाहर गया तो जयशंकर जी ने उसको गाली गलौज किया, इसी बात पे जो है उमा शंकर बाहर आया और विवाद जब बढ़ गया तो जयशंकर ने कुल्हाड़ी से अपने भाई उमा शंकर पर वार किया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसमें उमा शंकर का भाई जो आरोपी है जयशंकर, उसका भाई शिव शंकर और उसके पिता पुन्नूलाल, ये तीन लोगों के खिलाफ आरोप जो है उमा शंकर की पत्नी ने लिखाया है। ये तीनों लोगों को पुलिस ने अभिरक्षा में ले लिया। आलोट में लॉकडाउन के बाद अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। वहीं प्रशासन की तरफ से 4 बजे तक दुकानों को खोलने की छूट दी गई। वहीं नियमों के बावजूद थोक विक्रेता नियमों का उल्लंघन करते देखे गए, जिसके बाद पुलिस ने व्यापारी का चालान काट दिया, जिससे नाराज होकर व्यापारी ने पुलिस के साथ मारपीट शुरू कर दी। वहीं व्यापारी और उसके पुत्र के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के साथ शासकीय काम में बाधा डालने का मामला दर्ज कर लिया है। खबर इंदौर से है, जहां दो भाइयों की हत्या का मामला सामने आया। दरअसल ग्रीन पार्क कॉलोनी के गणगैर घाट के में खाली प्लॉट में निर्माण को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद सामने ही रहने वाले परिवार के लोगों ने हमला कर दोनों युवकों को मौत के घाट उतार दिया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी। इंदौर में जमीनी विवाद में दो युवकों की हत्या का मामला सामने आया। आपको बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर यह हत्या की गई, जिसमें पड़ोसियों ने ही दो भाइयों की हत्या कर दी। रायसेन जिले के बेगमगंज में कोरोना काल के चलते अपने दो बच्चों के साथ माता पिता की मृत्यु होने के बाद दो बच्चे अनाथ हो गए हैं। वहीं उनके अभिभावक वृद्ध दादी की मौजूदगी में SDM अभिषेक चौरसिया द्वारा रेडक्रॉस सोसाइटी से मिला 25,000 का चेक सहायता राशि की तरह भेंट किया गया। SDM द्वारा बताया गया कि दोनों बच्चों का चयन COVID-19 बाल कल्याण योजना के अंतर्गत किया गया है। दोनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई, किताबों और ड्रेस सहित अन्य व्यवस्थाएं भी उनके बालिग होने तक के लिए कराई जाएंगी। हमारा प्रयास है कि क्षेत्र का कोई भी बच्चा अभावग्रस्त ना रहे, जो भी जरूरतमंद है उनकी हर संभव मदद की जा रही है। रीवा शहर में लगभग 7 किलोमीटर दूर गोविंदगढ़ मार्ग में अंडरब्रिज के नीचे सड़क इन दिनों जर्जर हालत में है। यहां पर सड़क के ऊपर से मुख्य नहर निकलती है, लेकिन नहर के नीचे से सड़क की हालत शुरू से ही बदहाल स्थिति में है। हमेशा से ही पानी का लीकेज बना रहता है, जिसकी वजह से सड़क में पानी भर जाता है और जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। इसमें से कई गड्ढे ऐसे हैं जिसमें फंसकर लोग दुर्घटना के शिकार भी हो जाते हैं। इनको कई बार सुधारा भी गया, लेकिन कुछ दिनों बाद ये अपनी पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। और ये पूरी तरह जर्जर है और इसको केमिकल डाल के इसमें बनाया गया था। ये पूरी तरह से लीकेज है। यहाँ आए दिन कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं और शासन प्रशासन इसमें कोई ध्यान नहीं देता। इसको कई बार हम लोग मीडिया द्वारा शासन प्रशासन अवगत कराया गया, लेकिन इसमें फिर भी कोई ध्यान इसमें शासन प्रशासन में नहीं जाता है। और हमारे ये कहना है कि शासन प्रशासन में ध्यान दें। रतलाम सहित कुछ क्षेत्रों में अनूप मंडल द्वारा जैन संतों और सदस्यों के खिलाफ लोगों को भड़काया जा रहा है और भ्रमित जानकारी फैलाई जा रही है। जैन समाज के खिलाफ उनके दिमाग में जहर घोलकर उन्हें लगातार भड़काया जा रहा है, जिससे अन्य क्षेत्रों में भी आशंका व तनाव का माहौल बनता जा रहा है, जिसका विरोध ऑल इंडिया जैन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के द्वारा किया गया। एसोसिएशन के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और अनूप मंडल के खिलाफ कार्यवाही करने और CBI जांच की मांग को लेकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। इस अवसर पर ऑल इंडिया जैन जर्नलिस्ट एसोसिएशन प्रदेश अध्यक्ष सहित कई सदस्य वहां मौजूद रहे। ऑल इंडिया जैन जर्नलिस्ट एसोसिएशन आईजा मध्य प्रदेश इकाई द्वारा हमने माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन दिया है। अनूप मंडल जो राजस्थान और सारे आसपास के प्रांतों में जैन समाज के विरोधी काम कर रहा है, उसके विरोध में माननीय महामहिम जी के नाम हमने कलेक्टर। जावरा में जैन समाज अहिंसक व शांति प्रिय समाज है, वहीं दूसरी ओर अनूप मंडल लगातार एक जन विरोधी संगठन बनता जा रहा है और जैन समाज के खिलाफ अविश्वसनीय साहित्य उपलब्ध कराकर जहर घोलने का काम किया जा रहा है। देश और समाज में ऐसे हिंसा और घृणा फैलाने वाले तथा कथित बाबा
मुकना राम और अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की मांग को लेकर अखिल भारतीय जैन दिवाकर विचार मंच, अखिल भारतीय जैना मंगल ग्रुप, अखिल भारतीय अहिंसा संघ, महावीर इंटरनेशनल जावरा के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन देकर उनके खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की है। मंदसौर जिले में ग्रामीणों का बुरा हाल है। यहाँ पानी की इतनी किल्लत है कि लोग पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि गांव में पानी की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन उसका लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल पा रहा है, जिससे आक्रोशित होकर लोगों ने प्रदर्शन किया। वहीं जब इस पूरे मामले में सरपंच से बात की गई तो वो इस मामले में साफ तौर पर पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए। तो क्या है पूरा मामला, आइए आपको दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। मंदसौर के गांव झलारा में लगभग 1.5 महीने से ग्रामीण पानी के लिए भटक रहे हैं। कई दिन से ग्रामीणों के लिए पानी की व्यवस्था ग्राम पंचायत झलारा द्वारा नहीं की गई है, जिसके बाद अब ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर पंचायत का घेराव किया। इसके साथ ही 3 घंटे तक पानी की खाली डिब्बे लेकर धरना प्रदर्शन भी किया। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि उनके साथ दोगलापन किया जाता है। गांव में रोजाना नल आते हैं, लेकिन आधे गांव में कई दिनों से नल व्यवस्था ठप पड़ी है। कई बार अवगत कराने के बाद भी सरपंच सचिव द्वारा इस समस्या का हल नहीं करवाया गया। आइए आपको भी सुनाते हैं ग्रामीणों ने और क्या कुछ कहा है। लंबे दिनों से गांव वाले पानी की किल्लत झेल रहे हैं। आज इसी को लेकर ग्राम पंचायत भवन के सामने लगभग 3 घंटे से धरने पर ग्रामवासी बैठे हुए हैं और कोई भी जवाबदेही व्यक्ति यहाँ पर लगभग 3 घंटे से उपस्थित नहीं था। और सोचने वाली बात यह है कि यह गांव झलारा जिला पंचायत अध्यक्ष के द्वारा गोद लिया हुआ है और 24 घंटे नल जल योजना के तहत मध्य प्रदेश में यह गांव 3रे नंबर पर आता है। और आज यह पानी की टंकियां लेकर ग्रामवासी परेशान होकर आज मजबूरन ग्राम पंचायत के सामने धरने पर बैठना पड़ा। तो सुना आपने, पानी न आने से लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार ग्रामीणों ने इस समस्या से अधिकारियों को भी अवगत कराया, लेकिन उसके बाद भी अभी तक इस समस्या से कोई निजात नहीं मिल पाई। वहीं अब ग्रामीणों ने आक्रोशित होकर पंचायत का घेराव किया। लगभग 3 घंटे तक पंचायत के सामने पानी की खाली डिब्बे रखकर प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। मीडिया के पहुंचने के बाद मौके पर ग्राम पंचायत सचिव पहुंचे और ग्राम वासियों को आश्वासन दिया कि जल्द ही इस समस्या का हल करवाया जाएगा। लेकिन और ये बात भी सामने आई है कि स्थानीय सरपंच होने के बाद स्थानीय सरपंच मौके पर नहीं पहुंचे, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश भी देखा गया। ये क्या है कि इनकी समस्या ये है कि पानी नहीं मिल रहा है, ये समस्या है ना। तो एक बात है कि पानी कुएं में थोड़ा कम पड़ चुका है, जो कपिल धारा कुआ है उसमें पानी कम पड़ चुका है, मगर इनका ये समस्या है कि एक वार्ड में ज़्यादा देते हैं, हमारे वार्ड में कम देते हैं। इसकी समस्या हम शीघ्र से हल करेंगे। और दूसरी बात यह है कि हमारे पीएचसी के पाइप पड़े हैं और जहाँ पानी नीचे चढ़ रहा है वहाँ पर पाइन मतलब पानी लाने का प्रयास बहुत जल्दी कर रहे हैं। तो सुना आपने कि किस तरह से सरपंच इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए। एक और ग्रामीणों का कहना है कि झलारा गाँव में पानी की कोई कमी नहीं है, फिर भी गाँव वासियों को दूर दूर पानी लेने के लिए भटकना पड़ता है। ग्रामीणों की मांग है कि पानी की समस्या जल्द से जल्द हल हो, जिससे हमें राहत मिल सके व हमारे ग्रामवासियों को पानी के लिए भटकना ना पड़े। अब ये देखना है कि पंचायत का घेराव करने व पंचायत के सामने 3 घंटे तक प्रदर्शन करने के बाद ग्रामीणों की इस समस्या का हल कब तक पूरा होता है, या ऐसे ही सरपंच सचिव कुंभकर्ण की नींद सोते रहेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।